तो अभी हम पे बन रहा है बोटी। बोटी की ग्रेवी ऑलरेडी शेयर करी थी, दोबारा एक बार करूँगी, लेकिन कुछ अलग रेसिपी है इसकी, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑयल रख लिया, ऑयल अच्छी तरह गर्म हो रहा है। यहाँ पे साइड वाले स्टोव में रखा है क्योंकि वो वाले स्टोव जो हैं थोड़े बिजी हैं, तो यहाँ पे बड़ा वाला स्टोव रख लिया, थोड़ी सी ज़्यादा बनने वाली है तो ये वाला स्टोव रख लिया। और इसके जो मसाले हैं यहाँ पे पहले ऑनियन, और साथ ही साथ है यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे है हरा धनिया और पुदीना, उसके साथ है टमाटर कटा हुआ, और यहाँ पे साथ टमाटर का पेस्ट, और साथ ही साथ चिल्ली दाल है, मतलब जो बल्लर बनती है उसके बनती है चिल्ली दाल, और यहाँ पे है हरे मिर्ची और नारियल का पेस्ट बना हुआ है। बस बाकी जो है बेसिक्स मसाले, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया, अब डालेंगे ऑनियन। यहाँ पे ऑनियन को हल्का हल्का पिंक कर लेंगे, इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का पिंक कर लेंगे। और यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को बोटी कहाँ पे है। यहाँ पे बोटी रखी है, मटन वाली बोटी, वो जो फेर होता है, अंतड़ी होती है, वो वाले यहाँ पे अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद यहाँ पे रखा है, तो आज घर में फंक्शन है तो थोड़ी सी ज़्यादा बना रहे, तो साइड का स्टोव में बना रहे। और यहाँ पे रख लिया है बोटी, और यहाँ पे हो रहा है ऑनियन। यहाँ पे ऑनियन हो गई है लाइट पिंक हो गई ऑनियन। अब डाल रहे हैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो इसको अच्छी तरह तलेंगे ताकि कच्ची खुशबू जो होती है जिंजर गार्लिक की निकल जाए और ऑनियन को अच्छी तरह लग जाए। तो यहाँ पे दोनों को अच्छी तरह तल लेंगे 2-3 सेकेंड तक। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह तलने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे चिल्ली पाउडर, तो हमें स्पाइसी कितनी चाहिए इतना चिल्ली पाउडर ऐड कर लेंगे, कॉरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे ऐड करें कटे हुए टमाटर, बस ज़्यादा नहीं डालें, 2-3 टमाटर बारीक बारीक चॉप करके कटे हुए टमाटर, यहाँ पे इसको तल लेंगे, पुदीना और साथ ही साथ हरा धनिया, कॉरिएंडर पाउडर सॉरी हरा धनिया और पुदीने के लिए दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, जो हमने यहाँ पे टमाटर पीसे हुए थे वो वाला टमाटर पेस्ट, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे ये वाला पेस्ट है हरे मिर्ची और कोकोनट, इसको हमने फाइन सा पेस्ट बनाया वो वाला भी इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया। इन लोगों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2-3 सेकेंड तक पकाएंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे बोटी। तो मसाला अच्छी तरह तलने के बाद तेल ऊपर आ गया है, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बोटी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली दाल ऐड कर देंगे, इसके बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे 2-3 विजल्स और थोड़ी देर सिम पे रखेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टोव बंद कर दिया कुकर, 4 विजल्स का वेट करेंगे, उसके बाद 5 से 10 मिनट सिम पे रखेंगे लो फ्लेम पे, उसके बाद कर देंगे स्टोव बंद। तो ये तैयार हो गई बोटी ग्रेवी, मतलब मटन की बोटी ग्रेवी। तो यहाँ पे बोटी ग्रेवी तैयार हो गई है, बनने के बाद हमने निकाल दिया किसी और बर्तन में, तो अभी कर लेते हैं सर्व गर्मा गर्म बोटी के साथ विथ पराठा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा। पहली बार कोई मेरी वीडियो देख रहे तो विदाउट भूले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।